मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, तो चलिए आज मेधा के चैनल में आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोगों को आप लोगों को ढोलक बजाना सिखाएंगे। तो मेरी ढोलक कैसी लगी और मेरे बजा सिखाने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और मेरी जो भी मैंने ढोलक नहीं बजा पाती हैं, तो भी आप भी सीखने का प्रयास करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जरूर समझ में आए और जल्दी से जल्दी आप ढोलक बजाना सीख जाएं, ताकि आपको भी गाने बजाने का मौका मिले कहीं भी महफिल में जाएं। तो चलिए इसी के साथ तैयार हो जाइए आप लोग, और मेरा ढोलक बजाने का तरीका कैसा आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा है, चलिए आज आपको हम बताएंगे बेस क्या होता है, और आप बिना उंगली चलाए भी ढोलक बजा सकते हैं और चला के भी बजा सकते हैं। चला के तो सिंपल सी बजती ही है ढोलक। तो चलिए आज मेरा एक फर्स्ट वीडियो है, कोशिश करूंगी कि मेरा जो भी वीडियो है सब अच्छे से अच्छे मैं बना सकूं, अपने वीडियो आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए, ढोलक तो बहुत लोग सिखाते हैं, हो सकता है कभी कभी किसी का समझ में नहीं आता कि सिखा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी ढोलक मैं सिखाऊं सबको, तो सबको समझ में आए। मेरी जो भी बहनें ढोलक नहीं बजा पाती हैं, या कोई कोई बहनें बहुत जल्दी जल्दी बजा जाती हैं, या गाना बहुत जल्दी गाते हुए चले जाती हैं, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि गाना कहीं खींचने वाला होता है, चढ़ाव उतार का गाना होता है, तो उसी हिसाब से हमारी ढोलक भी चलनी चाहिए। कि जैसे हमारा गाना थोड़ा सा धीमे है, तो हम उसी गाने के हिसाब से ढोलक को बजाएं। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जैसे गाना गा रही हैं, तो जिस स्पीड में गाना गा रही हैं उसी स्पीड में ढोलक भी बजा रही हैं, तो उस पे गाना भी नहीं चढ़ता है और अच्छा भी नहीं, मजा भी नहीं आता है। तो चलिए आज आपको पहली बार मेरा पहला वीडियो है बता रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट के बाद मैं खुद ही देखूंगी कैसा है, तो मैं आगे और वीडियो अपने बनाऊंगी, आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देखे, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप लोगों को पता चल सकेगा। ऐसे तो नहीं पता चलेगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो चलिए ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। एक ढोलक हो गई नॉर्मल, जैसे कि चल रही है, आप लोग देख ही रहे हो ये इधर। लेकिन अब आप बिना उंगली लगा चलाइए और कैसे बजानी ढोलक, कभी कभी किसी से नहीं बनता उंगली चलाते, देखिए। चलाते हुए नहीं बनती हैं, तो चलिए उसके लिए भी मैं बता रही हूँ। तो एक ढोलक तो ये हो गई ना, दूसरी ढोलक क्या होती है, जैसे कि माता की पूजा वगैरह होती है, नवरात्रि वगैरह आती है, तो बधावा कहा जाता है, जैसे हम लोगों के यहाँ भाषा है बधावा, किसी और कहीं कुछ भी बोला जाता हो मुझे नहीं पता है, बट हम लोगों के यहाँ बधावा होता है। तो जो अष्टमी के दिन हम लोग के बजाने आते हैं माता को, तो आप लोग सुनिएगा। ज्यादातर माँ को खुश करने के लिए लोग बजाते हैं, एक ये हो गया। और तीसरा ढोलक जो हम लोगों के यहाँ नानी दादी लोग बजाया करती थी, तो उसे उल्टी ढोलक कहा जाता था, उल्टी ढोलक बजाइए। तो चलिए शुरू करते हैं उल्टी ढोलक। ये जो ढोलक है,
जो जैसे हमारी दादी नानी लोग गाना गाती थी, तो उन लोगों के पुराने टाइप के गाने होते थे, थोड़ा सा धीमे स्लो गाती थी, तो उसमें तो हम लोग ऐसे ही गाना बजाते हैं। तो जैसे आपको एग्जांपल दे दूं गाने का, ये ढोलक किस तरह के उस पे बजते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक गाना है पुराना, अरे कुल समगन प्रकार की होती है, लेकिन मुझे तो चार प्रकार से बजा लेती हूँ जो आता है। तो अभी पहले मैंने फर्स्ट में आपको नॉर्मल बताया, फिर मैंने बधावा बताया, फिर मैंने उल्टी ढोलक बताई, और ये मैंने गाँव के तो भांगड़ा भी बजती है। तो चलिए मैं अभी भांगड़ा नहीं बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में भांगड़े का भी बताऊंगी कि आप लोग नॉर्मली जैसे घर पे कुछ संगीत वगैरह हुआ तो भांगड़े में आप भांगड़े वाली ढोलक कैसे बजाएंगी, वो भी बज सकती है, आप घर पे आसानी से बजा सकते हो। आप लोग जैसे मैंने लेडी संगीत हुआ, मेहंदी हुआ, हल्दी हुआ, तो उसमें आप लोग बजा सकते हो ढोलक बहुत अच्छे से, आपको जरूर सिखाऊंगी। तो चलिए आज तो ये मेरे ढोलक बजाने के तरीके मैंने बताए हैं, और जिन बहनों को सीखना है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा मेरे इस वीडियो में और बताइएगा मुझे। तो चलिए आज थोड़ा सा ही सही लेकिन बताऊँ, ये ढोलक हो गया, ये तो मेरा बेस हो, ये ढोलक का बेस हो गया, और ये ढोलक का हल्का वाला साइड, लाइट साइड। जैसे आपको बजाने का नहीं सीख पा रही हो, साथ ही बजा पा रही हो आप लोग ढोलक, तो इसको देखिए आप पहले आप एक एक हाथ की उंगलियां चलाना सीखिए। आप कहीं भी बैठे हैं ये हाथ ऐसे रख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो चलिए आप 1 2 3 करके, कभी कभी किसी के नहीं समझ में आता है कि 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 गिनने में ही उसका वो कंफ्यूज हो जाता है, 1 2 1 2 गिनने में ही वो कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या करें आप ऐसे खाली बैठ जाइए ढोलक लेके, और आप अपने से सिर्फ सिंगल एक हाथ की उंगलियां चलाइए, ये देखिए ऐसे धीरे 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 चलाइए, उसके बाद जल्दी जल्दी चलाइए। तो जब आप उंगलियां जब चलाना सीख जाओगे तो फिर आप बेस पे आ जाइए, ये देखिए बेस पे आ गए आप, अब ये बेस है आपका, ये देखिए ऐसी आवाज आ रही है इस पे। तो आप दो बार यहाँ पे मारेंगे, ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे ये आ रहा है। तो आप यहाँ पे जल्दी जल्दी से मारेंगे हाथ, और यहाँ पे सिंगल मार, ये होता है आपने यहाँ दो बार मारा हल्के हाथ से, तीसरा यहाँ पे आया। और कभी कभी क्या होता है कुछ गाने होते हैं तो नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा ये हाथ हल्का सा ढीला करके आप ऐसे मारिए, तो ये आपका हो गया। तो जैसे कि अब आपने उंगलियां चलाना सीख लिया सिंगल, ये हो गया। तो आप पहले तो
अगर आपको एक दो तीन ही समझ में आ रहा है तो हम आपको एक और नया तरीका बताएंगे, लेकिन वो मेरा अगले वीडियो में आएगा। तो अगर आप लोगों को सीखना है मैं जो भी पहने हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी ढोलक कैसी लगी, सिखाने का तरीका कैसा लगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और ताकि मेरा जो है दूसरा वीडियो आए तो आप लोग तक ज़रूर पहुँचे, तो मैं उसमें एकदम बिल्कुल एक नई ट्रिक बताऊँगी आप लोग।